आप देख रहे हैं वीओएस 24 न्यूज़ का खास शो पंचायत चुनाव यात्रा। और आज के शो में हमारे साथ जो युवा मौजूद हैं, इनका नाम है प्रिय रंजन। युवा हैं और अपने पंचायत के प्रति क्या सोच है, ये जानने के लिए हम आज पहुंचे हैं मधुबनी जिला बासोपट्टी प्रखंड के खौना पंचायत में। और खौना पंचायत से ये मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। युवा हैं, समाज सेवी भी हैं, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इनकी क्या विचारधारा है और किन मुद्दों के साथ ये इस बार बिहार पंचायत चुनाव में हिस्सा लिए हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। जी आभार फैज़ भाई, और वो 24 न्यूज़ का कि हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। और आपके इस चैनल के माध्यम से आपके जितने भी व्यूअर्स हैं और खौना पंचायत की जनता को मेरा प्रणाम। उम्र क्या है? 29 साल। 29 साल इनकी उम्र है और मुखिया पद से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपको ऐसा क्या लगा और क्यों लगा कि आपको मुखिया पद से चुनाव लड़ना चाहिए खौना पंचायत से? देखिए, ये मेरा पैतृक गांव है, मेरा पैतृक पंचायत है, मेरा लालन पालन, मेरी परवरिश सब बाहर हुई, मेरी स्कूलिंग बाहर हुई। क्वालिफिकेशन के बाद जब हम लोग अपने दौर में थे उस टाइम पे हम लोगों ने एक संगठन ज्वाइन किया, मिथिला स्टूडेंट यूनियन, और वर्तमान में मैं मिथिला स्टूडेंट यूनियन का राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ। संगठन के बैनर पे काम करते हुए हम लोगों ने पहली बार लोगों की तकलीफ को जाना कि लोगों की समस्याएं क्या है। जब इन सारे मुद्दों पे काम करते हुए, चाहे वो दरभंगा एम्स आंदोलन हो, दरभंगा एयरपोर्ट हो, LNMU आंदोलन हो, उन सब पे काम करते हुए हमारी नज़र अपने पंचायत पे गई। और यहाँ पे पिछले पंचवर्षीय में एकाध दो ऐसी घटनाएं हुई हैं, जैसे कि बाढ़ में 6,000 रुपये वाला एक कांड था, और इसी पंचायत में जो आपको पता होगा लास्ट टाइम पिछले साल बहुत बड़ा बवाल हुआ था पूरे मधुबनी में, डोमा पासवान की मौत पे पूरे जिला प्रशासन को MSU ने कटघरे में खड़ा कर दिया था। तो मुझे इस पंचायत की परिस्थिति ने झकझोर दिया। अच्छा। तो और मुझे लगा कि हम एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं मिथिला के लिए, 10 जिलों के लिए, सिर्फ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में नहीं, हम लोग मगध यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, बिहार यूनिवर्सिटी की लड़ाई लड़ते हैं, पूर्णिया यूनिवर्सिटी की लड़ाई लड़ते हैं। अगर हम अपने पंचायत की लड़ाई नहीं लड़े, जहाँ पे हमारे दादा पैदा हुए, हमारे पिताजी पैदा हुए, जहाँ हमारा हमारी शायद कब्र खुदे, हम यहाँ पे दफनाए जाए, हमें यहाँ पे जलाया जाए, उस जगह को अगर हम नहीं बदल सकते हैं तो शायद ये लड़ाई हमारी हार होगी। तो इसलिए मैं लौट के इस पंचायत में आया वापस और ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। अच्छा। कोई भी प्रत्याशी होते हैं किसी भी पद से चुनाव लड़ते हैं तो उनका कुछ मुद्दा होता है, किन मुद्दों के साथ आप अपने पंचायत में आए? देखिए, जब आप आए होंगे, आप काफ़ी दूर से चल के यहाँ पहुँचे हैं, तो आपके काफ़ी शुक्रगुजार हैं कि आपने खौना पंचायत को, चूँकि आपके व्यूअर्स बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी लोग आपको देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो खौना पंचायत को पहली बार लोग जिला स्तर पे, कमिश्नरी स्तर पर देखेंगे, यहाँ की व्यवस्था को जानेंगे। आप जब यहाँ आए होंगे तो आपने इस पंचायत को देखा होगा, मधुबनी ज़िले में इससे पिछड़ा पंचायत कोई है ही नहीं। मैं आपको सच बताऊँ, यहाँ हेलीकॉप्टर तो उतरता है, लेकिन इंटर कॉलेज लौठबा, जो कि अपने ज़माने का नामी है, 1976 का स्थापित स्कूल है, वो इंटर कॉलेज अभी तक चालू नहीं है, जबकि नया भवन बने हुए 8 साल हो गया, उसका अधिग्रहण नहीं हुआ है, उसमें एडमिशन नहीं होता है। यहाँ पंचायत भवन पे कर्मचारी एक दिन भी नहीं बैठता है, यहाँ के अस्पताल में भूसा भरा हुआ है, यहाँ पिछले 20 सालों से DM नहीं आए हैं, यहाँ कोई भी पदाधिकारी कभी किसी जांच में नहीं आते हैं, यहाँ की 70% आबादी आपको साक्षर नहीं है, जो रोज दैनिक मजदूरी करती है तब जाके उनके जीवन का आधार है, वो अपनी रोजी रोटी चला पाते हैं। तो इस विषम परिस्थिति में मेरा ये एक नैतिक कर्तव्य बनता था कि मैं अपने पंचायत में आए और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन मुद्दों पे सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसको हम इस जमीन पे उतार सके, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी जो सोच है इस पंचायत के प्रति, तो क्या लगता है यहाँ की जनता इस युवा पर एक बार भरोसा करेगी? आपका ये सवाल बड़ा वाजिब सवाल है और शायद किसी भी प्रतिनिधि के लिए ये बहुत टेढ़ा सवाल है, लेकिन मैं इसका जवाब बहुत सीधे रूप में देना चाहूँगा। मैंने जैसा कि आपको बताया कि मेरी पढ़ाई बाहर हुई, हम बाहर रहे हैं अब तक, उसके हिसाब से भी जब मैं वापस लौटा हूँ तो मुझे इस पंचायत में बहुत लाड़ प्यार मिला है, इस पंचायत के युवाओं ने मुझे हाथों हाथ लिया है और एक अपार जन समर्थन मिल रहा है, बदलाव की एक लहर दिख रही है, जिसको समाज के लोगों द्वारा, कुछ लोगों द्वारा, जो मैं फिर बताऊंगा, जो जातिगत राजनीति के आधार पर पंचायत की राजनीति करते आए हैं, उनके द्वारा दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि युवाओं का अपार स्नेह और समर्थन जो मिल रहा है उसके दम पर हम परिवर्तन करने में कामयाब होंगे। तो क्या विश्वास करे जनता आप पर, कैसे विश्वास दिलाना चाहेंगे
खास तौर पर इस पंचायत की जनता को जो एक बार आपको मौका दे? देखिए, प्रतिनिधि के रूप में लोग आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमने अपने जनता को कभी नहीं कहा कि मैं चांद तोड़ लाऊंगा, मैं तारे जमीन पर ला दूंगा। मैंने वो बात कही है जो मैं कर सकता हूं। मैंने 13 सूत्रीय विजन लॉन्च किया है इस पंचायत में, जो पहली बार आया है। मैंने जनता को पहले से लिख के दिया है। मैं 29 साल का नौजवान हूं। दो चार वादे जो आपने जनता को लिख के दिया है वो क्या है? जी, मेरा जो सबसे प्राथमिक और पहला एजेंडा है कि पंचायत भवन पे पंचायत का काम होगा। उसके लिए लोगों को भटक के बासोपट्टी ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ जो युवा हैं उसके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था, जो लौटवा में वो जो इंटर कॉलेज है वो चालू होगा, यहाँ का जो अस्पताल है जो बंद पड़ा है जिसमें भूसा भरा है उसको सुचारू रूप से चालू करवाना, सरकार की जो एम्बुलेंस योजना है उसके तहत यहाँ के लोगों को एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाना ताकि लोग सही से सही समय पर जगह पर पहुँच पाएँ, ये प्राथमिक एजेंडे। और सरकार की जितनी भी उद्यमी योजना है, लोन योजना है, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, समाज में उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, इसको लाने के लिए हमारी प्राथमिकता। इसके लिए हम लड़ाई पहले भी लड़ते आए, हमारा अपना इतिहास है 6 सालों का मिथिला स्टूडेंट यूनियन के लिए काम करते हुए, और यही काम मैं पंचायत में भी करूंगा। तो आप मुखिया बनेंगे, भ्रष्टाचार नहीं ना होगा इस पंचायत? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, जो आज के युवा जिस गंभीर लड़ाई से लड़ रहे हैं, हमारे यहाँ हर योजना में कमीशन खोरी होती है। शौचालय में 2000 रुपया लिया जाता है, प्रधानमंत्री आवास योजना में 20000 रुपया लिया जाता है, एक सामान्य सा 400 रुपये का वृद्धा पेंशन करवाने के लिए भी 1000 रुपये लिए जाते हैं। तो इन सब योजना पे मैं आपको पूर्ण रूप से भरोसा दिलाता हूं, इन सभी योजनाओं में जो बिचौलियों का रोल है उस पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जाएगा। जनता से 1 रुपये भी नहीं लिए जाएंगे, चूँकि हमारा काम है जन सेवा करना। सरकार प्रतिनिधि, सरकार या किसी भी पैदान पे जो प्रतिनिधि बनते हैं उनका प्राथमिक कर्तव्य होता है जन सेवा, इसीलिए वो इस मैदान में आते हैं। तो मैं अपने वादे पे, किए गए वादे पे अटल रहूंगा। मैं कमीशनखोरी के खिलाफ रहा हूं, हमारा संगठन, हमारी संस्था कमीशनखोरी के खिलाफ लड़ती आई है। मैं आपके इस चैनल से वादा करता हूं कि जनता से आज तक जो कुछ भी किसी भी माध्यम से लिया गया है या मुखिया जी के नाम पर बिचौलियों ने वसूला है वो हमारे यहां नहीं होगा। हर जनता से मेरा 1-to-1 कनेक्शन होगा। मैंने एक और वादा अपनी जनता से किया है कि आपको मुखिया जी के दरवाजे पे आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वोट मांगने के लिए आपके दरवाजे पे आते हैं। मैं इस पंचायत में रहूंगा, लोगों के लिए हर गांव में, इस पंचायत में जो 5 गांव हैं, मैं हर पंचायत में नियत समय पे बैठूंगा ताकि वहां की जनता मुझसे आके मिल सके। वो किसी का दरवाजा नहीं होगा, वो उस पंचायत में सार्वजनिक स्थल होगा, जैसे कि कोई बारात घर या जो वहां पे मंदिर है या वो वहां का मस्जिद है या वहां का कोई सार्वजनिक जो वहां का भवन होता है, उस जगह पे बैठ के मैं पंचायत का काम करूंगा। सब लोगों का काम करेंगे जो भी है? निश्चित रूप से मेरा यह दायित्व तो बनता है कि जिन्होंने मुझ पे भरोसा जताया या जिन्होंने मुझ पे भरोसा नहीं जताया, अगर मैं चुन के आता हूं तो मुझ पे पंचायत के कुल 7500 वोटर का पूरा अधिकार होगा और मैं उन सभी के लिए काम करूंगा। तो क्या संदेश देना चाहेंगे खास तौर पर जो आपके पंचायत की जनता है उसको? मैं अपने जनता से एक ही चीज़ हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि हमारे पंचायत में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कुव्यवस्था का बोलबाला है, व्यवस्था के नाम पर जीरो है। उनके हर साल यहाँ पे करोड़ों रुपए आते हैं जो लूट लिए जाते हैं। मैं आपको बताऊं, सिर्फ इस पंचवर्षीय में सरकार ने ग्राम सभा के माध्यम से 5.5 करोड़ रुपये भेजे हैं, लेकिन उसका हिसाब कोई देने को तैयार नहीं है। मैं उन सभी का हिसाब दूंगा और जनता से सिर्फ एक ही नारे के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि युवा शक्ति का समर्थन करें। और इस नारे के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से। अभी हमारे साथ युवा जो मुखिया उम्मीदवार हैं अभी बात कर रहे थे, और इनका नाम है प्रिय रंजन। ये मधुबनी जिला बासोपट्टी प्रखंड के खौना पंचायत से जो है मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।